तब भारतीय बाजार में जल्द ही आने वाली है किया फेसलेस सेल्टोस, जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशोक, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से होने वाला है। भारत में किया सेल्टोस की बिक्री 2019 से की जा रही है और तब से लेकर अब तक इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं देखने मिला। मिड साइज सेगमेंट में सेल्टोस की एंट्री इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी। हालांकि अब इस सेगमेंट में नए नए ऑप्शंस की भरमार है और अब ऑटोमोबाइल कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हुई हैं और इसलिए सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कंपनी अगले महीने ही भारत में किया सेल्टोस के फेसलिफ्ट वेरिएंट का डेब्यू करने जा रही। हालांकि कंपनी इस कार को लॉस एंजेलिस ऑटो एक्सपो 2022 में ही पेश कर चुकी है, जिसके मुताबिक इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन में कई बदलाव देखने मिल सकते हैं और साथ ही इसमें कुछ मैकेनिकल बदलाव भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद तो ये की जा रही है कि इसमें भी ग्लोबल वेरिएंट से काफी कुछ लिया जा सकता है, जो कि स्पाई तस्वीरों को देखने से पता चलता है। और नए फेसलिफ्ट वेरिएंट के फ्रंट में टाइगर नोज ग्रिल के साथ बदले हुए हैंडल लैप्स, इसमें दी गई नई एलईडी DRL को ग्रिल के साथ मर्ज किया है। वहीं साइड प्रोफाइल के साथ बिना छेड़छाड़ के पहले जैसा ही रखा हुआ है। हालांकि इनमें नए अलॉय व्हील को शामिल किया है और इसके बैक साइड की बात करें तो इसमें नई LED टेल लाइट देखने मिलती है, जो कि पूरी चौड़ाई वाली हो सकती है। भारतीय बाजार में जल्द आने वाली किया फेसलिफ्ट सेल्टोस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशोक, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से होने वाली। और पेट्रोल की बात करें तो 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल ईंधन उपलब्ध है।